कोरोना काल में बीते एक साल से बिहार में मृत्यु के आंकड़े सार्वजनिक नहीं करने को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि जन्म मृत्यु से संबंधित आंकड़ों के बारे में जानना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि क्या बिहार के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पिछले एक सालों में हुई मृत्यु के आंकड़े जानने का अधिकार था या नहीं। कोर्ट ने अपने आदेश में राज्य सरकार से डिजिटल इंडिया और नेशनल डेटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी 2012 के तहत जन्म मृत्यु से जुड़ा सभी डेटा डिजिटल पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि जन्म और मृत्यु के निबंधन एक्ट 1969 के तहत हर नागरिक को डिजिटल पोर्टल का सूचना पाने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने महसूस किया कि राज्य सरकार द्वारा कई बार आश्वासन देने के बावजूद पोर्टल पर जन्म मृत्यु से जुड़े आंकड़े समय समय पर अपडेट नहीं किए गए हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि जन्म मृत्यु के आंकड़ों से जुड़े बिहार सरकार के डिजिटल पोर्टल पर 2018 के बाद से कोई एनुअल रिपोर्ट अपलोड नहीं की गई है। पटना हाईकोर्ट इसलिए भी सख्त है क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बिहार सरकार द्वारा कोरोना से होने वाली मौत के कम आंकड़े दिखाने की बात कही गई थी। बिहार सरकार की तरफ से पिछले सप्ताह एक एफिडेविट भी फाइल की गई थी जिसमें बताया गया था कि रातों रात प्रदेश में कोरोना से होने वाली मृत्यु की संख्या 4000 कैसे बढ़ी। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं शुभता जहान, पंजाब केसरी, दिल्ली।